हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिर्ची भरता, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा मिर्ची भरता देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, और इसका टेक्सचर भी हम इसी प्रकार रखेंगे, ज़्यादा मैच नहीं करेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, मिर्ची भरता बनाने के लिए हमने 10 से 12 मिर्ची लिया है, और 2 मीडियम साइज का टमाटर, और 10 से 12 धनिया पत्ते। और सारे मिर्ची को हम डंडी उसका निकाल लेंगे पीछे वाला, और टमाटर को कुछ इस प्रकार से स्लाइस करके काट लेंगे। अब हम एक तवा चढ़ाएंगे, रोटी तवा, और उस पर मिर्ची डालेंगे, फिर टमाटर को हमने एक टमाटर को 2 से 3 भागों में स्लाइस करके काटा है। आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं ताकि ये अच्छे से पक जाए, ताकि इसका भरता आसानी से बन जाए। नहीं तो ज़्यादा फ्लेम पे पकाएंगे तो ये काली हो जाएगी हरी मिर्च हमारी जल के, और पकेगी भी नहीं उतनी अच्छी से। इसे कलछू की मदद से या किसी चाकू चम्मच की मदद से इसे बराबर पलटते रहें ताकि चारों तरफ अच्छे से पक जाए। ये बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। अगर आपको खाने में मिर्ची का भरता मिल जाए तो फिर इसका स्वाद ही कुछ और है। और अब हम इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसे बारी बारी से हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, हमें फ्लेम को तेज नहीं करना है। और यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, बहुत ही आसान तरीके से गल जाए और जल्दी गल जाए। और नमक डाल के फिर हम इसको चलाएंगे। और इसको थोड़ा पकने के बाद इस पर कलछू की मदद से इस पर प्रेस करना है ताकि ये हमारा बिल्कुल इसी पे हमारा भरता जो है मैश होना चालू हो जाए। इसको इसी तरह से पकाएंगे। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी इसे पलट सकते हैं। लेकिन चाकू से मैश करने में नहीं बनेगा, तो हमने कलछू का प्रयोग किया है। ये फ्रेंड्स मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, और है भी ये एक यूनिक रेसिपी। आपको तीखा कम पसंद हो तो कम तीखी वाली मिर्ची का प्रयोग करें, या उसका बीज निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी तेल का प्रयोग किया है ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा स्वादिष्ट हो। सरसों तेल का हमने प्रयोग किया यहाँ पे 1 चम्मच के आसपास। इसको चलाते रहेंगे और कलछू से इसे मैश भी करते रहेंगे ताकि अच्छे से मैश हो जाए और भरता का रूप ले ले। आपको तीखा कम करना हो तो थोड़ा टमाटर का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे धनिया डालेंगे इसमें। धनिया से कोई भी रेसिपी का फ्लेवर चेंज हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स। तो लगभग ये फाइनली हमारा हरी मिर्ची भरता बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी इसे घर पे बनाएं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे।
ये देखिए इस प्रकार का है हमारा मिर्ची भरता बनके तैयार है। इसको इसी टाइप में कुछ दरदरा टाइप में इसको रखेंगे, ज़्यादा इसे मैश नहीं करेंगे, नहीं तो वो भरते वाली फीलिंग नहीं आएगी इसमें। तो देखिए है ना लाजवाब रेसिपी फ्रेंड्स, ये हमारी हरी मिर्च का भरता। आप इसे 2 से 4 दिन तक फ्रिज में रख के सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।